बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान हबीब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। अभी हम लोग स्पेक्ट्रम के बाद बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की, और देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं और स्पेक्ट्रल लाइंस में से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं ई कैट के हवाले से, एनएमडी कैट के हवाले से। फ्री रजिस्ट्रेशन करवाएं यहाँ पर और तैयारी करें ई कैट के लिए, जिसका वक्त बहुत कम है। वक्त तो बहुत कम है, वैसे भी वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, तो अपना टाइम मत ज़ाया कीजिए। अपने आप को स्किलफुल बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट बनाएं, अपने पास इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिखें, उनको अप्लाई करें और एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप लोग टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर क्वालिफाई कर जाओ। तो हमारी दुआ है कि आप लोग मेहनत करते रहें और इसी तरह से। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं, इनको सबसे पहले देखते हैं कि ये होती क्या है। स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जब आप उसको एनर्जी देते हो, जब ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आप लोग एनर्जी देते हो, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। अब एक्साइटेशन लेवल तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। कोई भी सिस्टम हाई एनर्जी स्टेट पे नहीं रहना चाहता। अगर आप लोग थर्ड पोर्शन में चले जाओ तो आप लोग भी हाई एनर्जी पे चले जाते हो, तो आपको भी वापस आना पड़ता है, आपको भी वहां से नीचे आना पड़ता है। तो कोई भी सिस्टम हाई एनर्जी स्टेट पे बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की थी उतनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। वो जो इमिटेड रेडिएशन होगी वही फोटोग्राफिक प्लेट पर, लाइन की फॉर्म में नजर आएगी, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन जब डीएक्साइट होता है वापस, तो जो वेवलेंथ निकलती है उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं और उन लाइंस को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। अब स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके सामने, और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक फिर आपके सामने लिखता हूं कि आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था क्रेक्स, यूवी, आई, एम, आर। अब क्रेक्स, यूवी, आई, एम, आर में सबसे पहले आप लोगों ने यहां पर अल्ट्रा वायलेट के साथ पी लिखना है और विजिबल के साथ आपने लिखना है बी लिखना है, सॉरी, अल्ट्रा वायलेट के साथ आपने एल लिखना है, वायलेट के साथ आपने बी लिखना है, और इंफ्रारेड के साथ आप लोगों ने क्या लिखना है, पी लिखना है, फिर आपने इसके साथ बी लिखना है, फिर आप लोगों ने यहां पे इसके साथ क्या लिखना है, एल बी पी बी, एल बी पी बी, और यहां पे आप लोगों ने लिखना है पी बी लेमान सीरीज। अब एल का मतलब होगा लेमान सीरीज, बी का मतलब होगा बाल्मर सीरीज, पी का मतलब होगा पैस्टन सीरीज, और बी का मतलब होगा ब्रैकेट सीरीज, और आहर में आपके पास रह जाएगी पी फंड सीरीज, पी एफ, पी फंड सीरीज। तो ये ट्रिक लाजमी याद रखिएगा कि क्रिक्स, यूवी, आई, एम, आर, यू के साथ एल, वी के साथ बी, आई के साथ आपने पी लिखना है। अब ये जो पी होगा यहां पे, क्योंकि ये तीन लाइंस मैंने क्यों आई के साथ खींची है, तीन लाइंस मैंने आई के साथ इस वजह से खींची हैं क्योंकि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ये मजीद तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, बल्कि दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक को बोलते हैं नियर इंफ्रारेड और एक को बोलते हैं फार इंफ्रारेड। तो स्पेक्ट्रल लाइंस, अभी इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लेमान सीरीज की, कि लेमान सीरीज जो है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके नीचे आता है। लेमान सीरीज,
लेमान सीरीज। न्यूक्लियस के बाहर पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट और इन्फिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से पहले में आए, तीसरे ऑर्बिट से पहले में आए, थर्ड ऑर्बिट से पहले में आए, फोर्थ ऑर्बिट में से पहले में आए, तो जो वेवलेंथ रिलीज होंगी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग लेमान सीरीज कहेंगे। कि किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले ऑर्बिट में आ जाए तो उस वक्त जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो लाइंस नजर आएंगी उनको लेमान सीरीज कहेंगे। अब लेमान सीरीज की ये जो लाइंस बनती हैं, ये जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है, ये वेवलेंथ क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रीजन में रिलीज हो रही है, इसलिए मैंने यू के साथ एल लिखा है। कौन से रीजन में? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रीजन में है ये जो रेडिएशन होती है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, इसलिए मैंने इसके साथ अल्ट्रा वायलेट रीजन लिख दिया है। बाद में आपसे सवाल कर सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है तो बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी होगी। तो वेवलेंथ का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लैम्डा विल बी इक्वल 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इनटू z का स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में यहां पे r हो जाएगा। अब जंप कहां से करवा रहे हैं? जंप सेकंड ऑर्बिट से करवा रहे हैं। कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फिर यहां पे लिखेंगे सेकंड 2 का स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा, सॉरी यहां पे 1 का स्क्वायर और यहां पे जाएगा 2 का स्क्वायर और यहां पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा एटॉमिक नंबर। तो यहां से लिखेंगे 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू r, यहां पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा यहां पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं यहां पे 1, यहां पे भी 1 लगा लूं, यहां पे मैं 4 लगा लूं, यहां पे भी मैं 4 लगा लूं, तो ये एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम यहां से, इस कैल्शियम यहां से 4 आएगा और यहां पे हो जाएगा 4 माइनस 1 3 1 आ जाएगा यहां पे। तो 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू r 3 डिवाइडेड बाय 4 r 3 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को ऊपर यानी लैम्डा ऊपर 1 नीचे और r नीचे चला जाएगा, 3 भी नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। इक्वेशन के दोनों साइडों पे डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चला गया, नोमिनेटर को नीचे लेके आ गया, तो यहां से आंसर क्या आएगा 3 1 3, यहां से आंसर आएगा 4 ऊपर चला गया है तो 3 1 3 हो जाएगा यहां पे। यहां से हम लोग लैम्डा निकाल रहे हैं 3 1 3, या भी इसको नहीं कैंसिल करते हम लोग, इसको लिख लेते हैं 4 / 3r। अब मैंने आपको बताया था कि 1 / r जो होता है वो बराबर होता है 9 11 के, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 9 11 मल्टीप्लाई बाय 4 / 3, तो यहां से हो जाएगा 3 3 = 9, फिर हो जाएगा 3 3 = 9, फिर 33 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 33 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने के बराबर आ जाएगा, यहां पे 1 तो ये 3, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 1 3 2 एंगस्ट्रॉम, यहां से लैम्डा निकल के आ जाएगा। तो ये जो लैम्डा है जब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है सेकंड से, तो निकाल सकते हैं यहां से, सिर्फ आप लोगों ने 1 बाय r की जगह 9 11 पुट करना है और बाकी एप्रोक्सीमेशन निकालनी है यहां से। अगर हम लोगों को कहे कि इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है पहले ऑर्बिट में, तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहां पे, यहां पे लिखेंगे 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू r, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 डिवाइडेड बाय n, n 1 की जगह आप पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। अब इंफिनिटी ऑर्बिट से जब आप लगाते हैं, इंफिनिटी ऑर्बिट से लेके आते हैं, तो यहां पे तो एटॉमिक नंबर 1 उसी तरह आएगा, इंफिनिटी से आ रहे हैं। 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू, 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू r। अब यहां पे r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आप लोगों ने यहां पे पुट करनी है लैम्डा के ऊपर लेके चलते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 is equal to 1 divided by r,
यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो फिर 9 11 लिखेंगे यहाँ पे 9 11 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा इज इक्वल टू 9 11 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लैम्डा जो है वो कम हो चुका है, पहले लैम्डा ज्यादा था। तो बाद में क्वेश्चन आ सकता है कि लेमन सीरीज में लार्जेस्ट लैम्डा क्या होगा, लार्जेस्ट लैम्डा आप फाइंड करेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे, और स्मॉलेस्ट लैम्डा कब आएगा, शॉर्टेस्ट लैम्डा कब आएगा, जब इन्फिनिटी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उस वक्त उसका लैम्डा जो होगा वो कम हो चुका होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो ये लेमन सीरीज थी। अब बात करते हैं कि बाल्मर सीरीज जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से जम करके कहाँ पे आता है, और जो कलर्स एमिट होते हैं वो कौन से रीजन में होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं सेकंड ऑर्बिट में आएगा, कहीं से भी आएगा, इन्फिनिटी से आए, सेवेंथ शेल से आए, फिफ्थ से आए, फोर्थ से आए, लेकिन आए कहाँ पे, सेकंड ऑर्बिट में आए, तो फिर जो कलर्स एमिट होंगे वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी उन्हें हम बाल्मर सीरीज कहेंगे, फिर उन्हें हम बाल्मर सीरीज का नाम देंगे। बाल्मर सीरीज कब, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, एन इज इक्वल टू टू में, कहीं से भी आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, या इन्फिनिटी से आए। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं इनका कलर क्या होता है, विजिबल रीजन में आती हैं, ये विजिबल रीजन में आती हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बाल्मर सीरीज की पहली चार लाइंस होती हैं, बाल्मर सीरीज की पहली चार लाइंस होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ही होती हैं, यानी अगर थर्ड से टू में आ रहा है तो फिर भी अल्ट्रावायलेट रीजन में कलर आएगा, अगर फोर्थ से टू में आ रहा है फिर भी अल्ट्रावायलेट में आएगा कलर, फिफ्थ से टू में आ रहा है फिर भी अल्ट्रावायलेट में ही आएगा, अगर सिक्स से टू में आ रहा है तो फिर भी अल्ट्रावायलेट ही कलर आएगा। तो अल्ट्रावायलेट यानी बाल्मर सीरीज की पहली चार लाइंस जो होती हैं वो अल्ट्रावायलेट होती हैं, उसके अलावा बाकी जो सारी की सारी होती हैं वो विजिबल रीजन में होती हैं। तो इसमें भी आपसे ये सवाल कह सकता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज उसका लैम्डा क्या होगा, लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज उसका लैम्डा क्या होगा। तो अगेन लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 by lambda is equal to r into 1 by n 1 की पावर 2 minus n 2 की पावर 2 z का स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा 1 by lambda, जंप कहां से करवा रहे हैं, जंप थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में करवा रहे हैं, तो फिर यहां पे r into सेकंड ऑर्बिट का स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर 2, 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 हो जाएगी, into 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 by lambda will be equal to r। अब यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा, LCM लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको मैं 4, 9, 4 जा 36, यहाँ पे 36 लगा लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे 9 minus 4 into 1, अब यहाँ से आंसर आएगा 1 by lambda is equal to r, 9 minus 4, यहाँ से 5 by 36 आंसर आएगा। अब इसको क्या करना है, इन्वर्ट करना है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने 1 by r लिखना, हम लोग 1 by r लिखना चाहते हैं, तो 1 by lambda, lambda ऊपर चला जाएगा, इसी तरह r 1 by r हो जाएगा, और यहाँ पे 5 रह जाएगा, और यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो अब 1 by lambda जो है वो 9 11 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 divided by 36, अब 36 के साथ इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो फर्स्ट लाइन जो लेमन बाल्मर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी उस फर्स्ट लाइन का लैम्डा यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट कर भी सकते हैं, 5 7 के साथ काटते हैं इसको, 7 1 7 और यहाँ पे 8 9, यहाँ पे 2 आएगा और 7 3 और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और फिर इसको लिख लेंगे 3 3 7 1 7। तो जो भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 131 आ जाएगा, तो लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज होगा। और अगर लास्ट लाइन इसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लास्ट लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी भी लास्ट लाइन में
इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा हमें। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 1 by lambda will be equal to r 1 by 2 का square minus minus 1 by infinity का square into 1, 1 by lambda, 1 by lambda is equal to r, यहाँ पे आ जाएगा 1 by 4 और यहाँ पर जो है माइनस जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, अब 1 by r यानी लैम्डा को हम लोग ऊपर लेके चले जाएं और जो r है उसको नीचे ले आए और 4 को ऊपर लेके चले जाएं, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 by r यानी 9/11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा जो कि लास्ट लाइन होगी इस सीरीज की। तो बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ पहले ज्यादा होती है बाद में कम हो जाती है, तो यहाँ से पहली जो लाइन थी उसकी उसका लैम्डा ज्यादा था, दूसरी जो लाइन है उसका लैम्डा कम है। यानी अगर सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आता है तो जो लैम्डा होगा वो ज्यादा होगा, एज कंपेयर टू अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से कहां पर आता है, सेकंड ऑर्बिट में, उसका लैम्डा कम होगा। जितना ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसका लैम्डा उतना ही कम होगा, उसका लैम्डा उतना ही कम होगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, अल्ट्रावायलेट रीजन में जो लेवान सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में जिसकी फोर लाइंस अल्ट्रावायलेट में ही होती हैं, और पेस्टन सीरीज जो है वो नियर इंफ्रारेड। अब पेस्टन सीरीज क्या होती है, पेस्टन सीरीज जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आता है, किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो पेस्टन सीरीज कहलाएगी, और जो स्पेक्ट्रल लाइंस का कलर होगा वहां पे जो एमिशन होगी कलर्स की, जो कलर होगा वो नियर इंफ्रारेड रीजन में होगा, नियर आईआर, आईआर के करीब करीब आपको वेवलेंस वहां पे मिलेंगी, आईआर रीजन के करीब करीब आपको वेवलेंस वहां पे मिलेंगी। इसी तरह यहां पे ब्रैकेट सीरीज है, तो ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो वहां पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी फोटोग्राफिक प्लेट पर वो भी फार आईआर में ही मिलेगी, फार आईआर में वो मिलेगी, तो फार आईआर में मिलेगी। इसी तरह P1 सीरीज जो है वहां पर जब किसी भी ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करके आएगा इलेक्ट्रॉन तो उसे बोलते हैं, फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा तो उसे बोलते हैं P1 सीरीज, P1 सीरीज जिसकी वेवलेंथ अगेन जो होती है वो फार आईआर में होती है। तो ये आपका एमसीक्यूज होता है कि कौन से रीजन में लेवान सीरीज कौन से रीजन में ऑब्टेन होती है। इसी तरह पी फंड सीरीज की जो लाइंस होती हैं वो कौन सी, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कौन सी रेडिएशंस होती हैं, वो कौन सी रेडिएशंस होती है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप करेगा, फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा, तो बार ब्रैकेट सीरीज आपको मिलेगी। तो ये आपने छोटी सी ट्रिक याद करनी है, क्रिक्स यूवी आईएमआर, क्रिक्स यूवी आईएमआर जो है इसमें आप लोगों ने क्या करना है, LBPBPF याद करना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सी सीरीज कौन से रीजन में आती है। और वैसे भी हम लोगों ने ये स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, सबसे कम वेवलेंथ है, फिर उसके बाद ज्यादा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ ज्यादा ही होती जा रही है, तो वेवलेंथ ज्यादा होती जा रही है, तो इसी बेस पे हम लोगों ने इसको एक स्पेक्ट्रम बना दिया है। तो स्पेक्ट्रम आज के लिए इतना ही काफी है, जिसमें आप स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और इस में से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी अगर अब ये जो बार बार ये स्पेक्ट्रल लाइंस की जो जितनी भी आप लोगों ने अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने या इससे जो भी एमसीक्यूज आएगा वो तो या तो इस रीजन के ऊपर पूछ सकता है कि जो लेवान सीरीज है वो कौन से रीजन में है, या तो आपसे पूछ सकता है कि जो जो आपके पास ब्रैकेट सीरीज है उसकी, ब्रैकेट सीरीज या लेवान सीरीज या बाल्मर सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कितनी है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी है, तो वो आप लोगों ने इन्फिनिटी पे आप लोगों को क्या मिलेगी, हमेशा कम वेवलेंथ मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है इन्फिनिटी से आता है तो फिर आपको कम वेवलेंथ मिलेगी, और करीब से जंप करके आता है तो ज़्यादा वेवलेंथ उससे मिलेगी। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेशन से भी देख लिया,
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।